अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह पाकिस्तान का जो एग्जिट परमिट है उसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप एग्जिट परमिट के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो वीडियो है उसमें मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था, लेकिन वो व्हाट्सअप नंबर में कुछ मसला आ रहा है, तो न्यू नंबर आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो, खुद अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हो और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तानी एग्जिट परमिट। अब एग्जिट परमिट है क्या चीज़? एग्जिट परमिट तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जिट परमिट वही लोग अप्लाई करते हैं जो पाकिस्तान में आए हो और यहाँ पे ओवर स्टे हो गई हो 2 महीने या 1 महीने इस तरह, या फॉर एग्जाम्पल वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं लेकिन अभी 15 दिन बाद चाहते हैं और उसका वीज़ा आज ख़त्म होने वाला है, तो आप एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें 15 दिन का टाइम होता है और उसके बाद आप लोग जा सकते हो। जो एग्जिट परमिट का प्रोसीजिंग टाइम है भी आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को 2 नंबर व्हाट्सएप के नजर आ रही है। पहले व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों ने राबिता करना है, अगर हम आपको जवाब नहीं देंगे 2-3 घंटे के अंदर तो आप लोग नीचे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे फिर राबिता कर सकते हैं। टाइमिंग नोट करिए, 9 AM से लेकर 9 PM के दरमियान राबिता कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है तो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने हमें प्रोवाइड करने हैं एग्जिट परमिट के लिए। आप लोगों का पिक्चर, आप लोगों का पासपोर्ट कापी, आप लोगों का लास्ट प्रूफ ऑफ लास्ट पाकिस्तानी वीज़ा जब पाकिस्तान आप लोग आए हों उसका वीज़ा कापी, आप लोगों का एंट्री स्टैम जो कि एयरपोर्ट के ऊपर आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ, डेट ऑफ एंट्री टू पाकिस्तान किस डेट पर आप लोगों की एंट्री हुई पाकिस्तान में। ठीक है, आप लोगों का जो जॉब वगैरह करते हो, प्रोफेशन आपका क्या है वो बताना है, कम्प्लीट एड्रेस पाकिस्तान के अंदर और कम्प्लीट एड्रेस जहाँ पर आप बाहर रह रहे हो, बाहर मुल्क से आए हो ना। इसके अलावा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर आपका चाहिए होगा, अगर रिजेक्शन या कैंसिलेशन लेटर है ये ऑप्शनल है तो वो भी सेंड करें, अगर नहीं तो जरूरत नहीं है। 2 दिन से लेकर 7 दिन तकरीबन या कभी कभार 14 दिन तक भी प्रोसेसिंग टाइम चला जाता है एग्जिट परमिट के लिए, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री वेबसाइट है उस पे जाकर आप लोगों के लिए एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस आएगी $20-22 टोटल खर्च आएगा, उसमें हमारी फीस भी शामिल है क्योंकि हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं और आप लोगों का एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। 2 नंबर आप लोगों का व्हाट्सअप का नंबर आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमसे भी कर सकते हो, अगर खुद करना चाहते हो तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है, visa.nata.gov.uk के, तो यहाँ से आप लोग खुद अगर एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एग्जिट परमिट के लिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप खुद भी कर सकते हो, या YouTube वगैरह पे वीडियो कर वॉच करके आप खुद भी कर सकते हो। इस वीडियो का मकसद इस वजह से मैंने बनाया कि अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और आप हमसे राबिता करोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको हम एग्जिट परमिट अप्लाई करके दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।